तो चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें जो चैप्टर है वो सारे जो चैप्टर का नाम एटलीस्ट आप लोग कम से कम ध्यान रखिए। बहुत बच्चा को तो चैप्टर का भी नाम याद नहीं रहता है, तो एटलीस्ट चैप्टर का नाम कम से कम ध्यान रखें कि आप लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम आप लोग देखेंगे। पहला चैप्टर है सोल्यूशन, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोएल्किन्स एंड हेलोएरिन्स, अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर्स, एनाल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोजिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिकुल्स एंड पोलीमर्स। तो ये चैप्टर जो हमने लिखा है इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे, और जो सॉलिड स्टेट है वो सीबीएसई में नहीं रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग, बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हैं तो उसके लिए हम लोग सॉलिड स्टेट लास्ट में कर लेंगे उसको, और चैप्टर भी कुछ हट सकता है तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। पर जो सिलेबस में दिया हुआ है पहले हम लोग सोल्यूशन चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो सोल्यूशन आज का टॉपिक है, आज सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप इस इंट्रोडक्शन क्लास का देखें और इससे सीखने का प्रयास करें कि हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में भी क्या पढ़ना है। तो सभी बच्चों को चैप्टर का नाम याद हो गया होगा, कम से कम चैप्टर का नाम देखते देखते कम से कम यह चैप्टर का नाम एक बार दो बार देखिए कि आप लोग को लगे कि हम लोग को चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो तो सीक्वेंस लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर को पढ़ाई करेंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस बात को हम लोग जानकारी में रखेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज सोल्यूशन। क्या चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? सोल्यूशन। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग को मेन टॉपिक क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग को जानकारी होना जरूरी है। जिस तरह हम लोग सारा केमिस्ट्री का चैप्टर जो सिलेबस आपको बताया क्लास 12 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम आपने देखा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आप चैप्टर का नाम जो पढ़े उसी तरह सोल्यूशन में हम लोग को क्या पढ़ना है टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है। तो सोल्यूशन चैप्टर में इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। जैसे मेन टॉपिक सोल्यूशन में है बच्चों, पहला टॉपिक है इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं जो 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं, कंसंट्रेशन का टर्म्स आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़ना है? कंसंट्रेशन टर्म्स। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर। तो क्या बोलेंगे उसको? वेपर प्रेशर। तो हम लोग को सेकंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, थर्ड टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, थर्ड टॉपिक आप लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। और इसमें कंसंट्रेशन पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों चार आपको मेन टॉपिक पढ़ना है, उसको बोलते हैं फर्स्ट को आरएलवीपी। आरएलवीपी मींस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अभी से ध्यान रखेंगे तो पढ़ने में सुविधा होगी। आरएलवीपी का फुल फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लिख लेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब सेकंड इसमें पढ़ना है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन ईबीपी। इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इसमें पढ़ना है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ना है हम लोग को? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्थ हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग ओपी से इंडिकेट करते हैं। तो
बच्चों चलिए कौन कौन टॉपिक पढ़ना है मेन रूप से आप लोग देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स जो 11th में भी आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसमें, लेकिन हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। और इसके बाद पढ़ना है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में दो लॉ पढ़ना है, उस लॉ का नाम है हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के अंदर कितने लॉ पढ़ेंगे हम लोग? दो लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर में आता है आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद चौथा और लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर इसको बोला जाता है। तो ये हम लोग को चार टॉपिक पढ़ना है, इसमें चार टॉपिक आप लोग देख चुके हैं, तो यही आपको सॉल्यूशन चैप्टर में मेन रूप से पढ़ना है। तो आप लोग को, सभी आदमी को कम से कम क्या पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में वो मालूम रहेगा, तभी ना हम लोग आगे कुछ देख पाएंगे कि टॉपिक क्या पढ़ना है, और उससे आप लोग को एक ओवरव्यू बनेगा, एक मैप बनेगा आपके माइंड में कि कैसे हम लोग को पढ़ना है और कौन टॉपिक हमारा हो गया है और कौन टॉपिक आपका नहीं हुआ है। तो हम लोग को ये सब टर्म पढ़ना है, और आप लोग को सब ध्यान में आ चुका होगा, कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर चार आते हैं, और उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग छोटा आई से इंडिकेट करते हैं। तो ये मेन टॉपिक हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है। तो टॉपिक आप लोग को तो याद भी हो गया होगा, बहुत बच्चे को याद हो गया होगा कि ये सब पढ़ना है, ये ओवरव्यू से आप लोग को जरूर फायदा होगा। तो आप लोग टॉपिक का नाम कम से कम याद रखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, तो टॉपिक का नाम याद रहेगा तो आप लोग को बेहतर रहेगा। समझ रहे बच्चों? चलिए इसको मिटाया जाए, इसको मिटाते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? तो बताइए, सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना था? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोग आते हैं, और इस चैप्टर में सबसे पहले बात, इस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। क्या चैप्टर का नाम है बच्चों? सोल्यूशन, सोल्यूशंस नाम है। तो सोल्यूशंस आप लोग पढ़े होंगे, सोल्यूशंस में 9th क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग कि सोल्यूट और सोलवेंट होता है, क्या होता है। और इस चैप्टर में जो हम सोल्यूशंस की बात करेंगे वो ट्रू सोल्यूशंस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन किसको कहते हैं? जिसका सोल्यूट का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो। जिसका सोल्यूट का साइज कितना हो? लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर आप लोग को पढ़ाए थे क्लास में, याद है, नैनो मीन्स 10⁻⁹। तो उसके पार्टिकल का साइज कितना होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। तो जिसके सोल्यूट का साइज 10⁻⁹ मीटर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। तो यहाँ ट्रू सोल्यूशन किसको बोलेंगे? सोल्यूशंस हम लोग पढ़ाई करेंगे ट्रू सोल्यूशंस का इस चैप्टर में, और जिसका पार्टिकल सोल्यूट का साइज, यहाँ सोल्यूट का साइज होता है 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर से कम, इसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ऐसे भी सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट एंड सोलवेंट। क्या होता है? सोल्यूट एंड सोलवेंट। और सोल्यूट कम मात्रा में होता है, और सोलवेंट क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये सब बात आप लोग बेसिक है जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं किस पे? कंसंट्रेशन टर्म्स पे। किस पे चलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स का बात कर ले, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले बात, कंसंट्रेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होना चाहिए आप लोग खुद बताइए, व्हाट इज कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए डिफाइंड स्पेस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए डिफाइंड स्पेस इज नोन एज कंसंट्रेशन। आप लोग देखे होंगे कंसंट्रेशन के बारे में, अगर एक बाल्टी है उसमें अगर आप रंग डालते हैं तो क्या होता है? एक एक रंग डालते हैं, एक जो डब्बा आता है, एक डब्बा रंग डालेंगे और दो डब्बा रंग डालेंगे, उसमें अंतर होगा कि नहीं कंसंट्रेशन में? अगर दो डब्बा डालेंगे तो ज्यादा ज्यादा गाढ़ा आपको रंग दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए डिफाइंड स्पेस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का डिफिनेशन क्या हो गया बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए डिफाइंड स्पेस। क्या हो जाएगा? इन ए डिफाइंड स्पेस, इन ए डिफाइंड स्पेस, तो इसको भी हम लोग कंसंट्रेशन बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। और एक और डिफिनेशन कंसंट्रेशन का होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज रेशियो ऑफ, क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन क्या है? रेशियो है बच्चों। क्या है? कंसंट्रेशन इट इज ए रेशियो ऑफ, रेशियो क्या बोलेंगे? सोल्यूट इन ए सोलवेंट। क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ सोल्यूट इन ए सोलवेंट,
इट इज रेशियो ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन, सोल्यूट इन ए इन सोल्यूट इन ए सोल्यूशन, हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इट इज रेशियो ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन टू द सोलवेंट, टू द सोलवेंट और टोटल सोल्यूशन, और टोटल सोल्यूशन। बात समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आप लोगों को जानकारी रहना जरूरी है, इसलिए ध्यान दें आप लोग बच्चों, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बात होगी, तो कंसंट्रेशन का डेफिनेशन आप लोगों को जरूरी है ध्यान रखना। क्या है कंसंट्रेशन? क्या हुआ, नॉर्मल भाषा में हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए डिफाइंड स्पेस। एक जैसे जिस सब्सटेंस है वो डिफाइंड स्पेस में कितना है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, नहीं तो उसको बोला जाता है इट इज रेशियो ऑफ सोल्यूट। आप जैसे देख लीजिए आप सोल्यूट कितना डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? इट इज रेशियो ऑफ, रेशियो है, और ऐसे भी कंसंट्रेशन क्या है? रेशियो ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, एक सोल्यूशन में कितना सोल्यूट कितना है, और एक सोल्वेंट में सोल्यूट कितना है। कभी कभी सोल्वेंट भी यूज करते हैं और कभी कभी सोल्यूशन भी, टोटल सोल्यूशन भी यूज करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग को कंसंट्रेशन का डिफिनेशन ध्यान में रखना है। ये कंसंट्रेशन ध्यान में क्या रखना है यार, कंसंट्रेशन का मीनिंग हो गया कि सोल्यूट बटा टोटल सोल्यूशन, और सोल्यूट बटा सोलवेंट, अगर सोलवेंट बहुत ज्यादा है तो सोल्यूट बटा सोलवेंट, या सोल्यूट बाई टोटल सोल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बहुत सारा तरीका है, वो बहुत सारा तरीका आप लोग 11th में भी पढ़े हुए हैं और 12th में भी हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वो सब कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। चलिए कंसंट्रेशन टर्म, पहला कंसंट्रेशन टर्म बच्चों, पहला कंसंट्रेशन टर्म बच्चों कौन सा पढ़ना है आप लोगों को? सबसे पहले हम लोग लेते हैं हल्का वाला, जो हम लोग लेते हैं मोलारिटी। क्या लेते हैं? मोलारिटी। क्या लेते हैं? मोलारिटी। तो मोलारिटी सब लोग पढ़े होंगे, मोलारिटी को किसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम। किस पे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम। सब आदमी मोलारिटी के बारे में जानते होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सोल्यूशन, पढ़े हैं कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सोल्यूशन। तो चलिए इसको मोलारिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, इसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। चलिए हो सकता है, तो उसके बाद इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग मोलारिटी इक्वल टू और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग जनरली एन से इंडिकेट करते हैं, आप लोगों को पता है। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वेट बाई मोलर मास, आप कह सकते हैं वेट बाई मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आप लोग पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाई मोलर मास, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट बाय मोलर मास, ऐसे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखे? वेट बाय मोलर मास, मोलर मास को हम लोग एम एम से इंडिकेट कर दिए, मोलर मास, और ये हो गया वेट। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों, वेट बाय मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है बच्चों? लीटर में, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? डब्ल्यू बाय, डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सोल्यूट। यहाँ पर क्या होगा? मोलारिटी का आप लोग डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसी को हम लोग इंडिकेट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूट के बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, तो है तो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला, किसमें हो गया? और ये क्या होता है, जैसे मोलारिटी का यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें, मोल्स पर लीटर, क्या हो जाता है? मोल्स पर लीटर, तो इसका यूनिट मोल्स पर लीटर में हो जाता है, उसी को हम लोग बड़ा एम से इंडिकेट, कैपिटल एम से करते हैं। तो ये आप लोग फॉर्मूला आप लोग जाने किसके बारे में? मोलारिटी के बारे में। तो मोलारिटी होता है उसी से रिलेटेड, एक आता है स्ट्रेंथ, क्या आता है बच्चों? स्ट्रेंथ, क्या आता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में आता है, स्ट्रेंथ में कुछ नहीं अंतर है, यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट बट आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होता है बच्चों? लीटर। तो बच्चों आप लोग समझ गए, स्ट्रेंथ को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, किसे इंडिकेट करते हैं? एस। तो मोलारिटी को किसे इंडिकेट करते हैं? एम। स्ट्रेंथ को किसे इंडिकेट करते हैं? एस। एस इज इक्वल टू क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं डब्ल्यू, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर को क्या लिख सकते हैं? बी एम। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। तो ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन आप लोग समझ गए। उसी के अंदर आप डब्ल्यू बाई वी एल, यहाँ पर आप देख रहे हैं डब्ल्यू बाई वी एल है, तो इसको फॉर्मूला बुलाया जाए पकड़ के, डब मास इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, इसको वी एल को एक साथ लिख लीजिए और मोलर मास को एक साइड लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों?
एस क्या बोलते हैं, एस स्ट्रेंथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू एस, एस है बाई एमएम मोलर मास देख रहे हैं, इसको एस लिख दीजिए। अब मोलर मास चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब इसके बाद इसको हम कर सकते हैं कैसे करेंगे, तो यहाँ से एस अगर निकालना हो तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू मोलर मास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ, कहाँ से स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास, सब आदमी को याद हो गया स्ट्रेंथ बराबर क्या हुआ मोलारिटी इंटू मोलर मास, समझ रहे बच्चों? तो ये आप लोग को किसमें रिलेशन है, स्ट्रेंथ है मोलारिटी में, किसमें रिलेशन है स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी में। तो सब आदमी इतना आप लोग ध्यान दिए होंगे। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, एक क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे और ये फॉर्मूला तो आप लोग देख ही लिए होंगे, तो एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 हैविंग स्ट्रेंथ 4.9 ग्राम पर लीटर। 4.9 ग्राम पर लीटर। आप लोग क्या पढ़ना है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 हैविंग स्ट्रेंथ 4.9 ग्राम पर लीटर। बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोलारिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन, अब अगर आप लोग को पता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं और आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े बच्चों, अभी हम लोग देखिए नहीं भी याद है तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, होता है कि नहीं होता है? इसी को अगर हम चेंज कर ले तो नंबर ऑफ मोल्स को इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय क्या होता है मोलर मास, मास बाय मोलर मास इन टू बीएल, ठीक है बच्चों। और इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं अभी पढ़े स्ट्रेंथ, तो क्या होता है एम इज इक्वल टू एस बाय एमएम मतलब मोलर मास। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग को मोलारिटी निकालना ही है, सही बात है मोलारिटी निकालना भी है, और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमको पता है और मोलर मास तो पता हो ही सकता है, पता हम लोग कर सकते हैं। H2SO4 का मोलर मास पता करना है, तो चलिए H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना होता है 32, और 16 चौका 64, इसको जोड़िए 4 2 6 2 8 98 ग्राम पर मोल, तो हम लोग को मोलर मास पता चल गया है H2SO4 का, आप लोग को पता भी होना चाहिए 98 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे हम लोग रख देंगे फॉर्मूला में तो आराम से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ कितना है, मतलब जल्दी बताइए 4 पॉइंट, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलर, मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मोलर मास। चलिए स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ दिया होगा 4.9 ग्राम पर मोल, कितना हो जाएगा 4.9, इसको लिखिए ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है बच्चों। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ मोलर मास, चलिए मोलर मास कितना निकला 98 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 98 ग्राम पर मोल, पहले हम यूनिट को देख रहे हैं, यूनिट को साइड में रखे हैं क्योंकि कट जाएगा और आप लोगों को किस यूनिट में आएगा ये स्ट्रेंथ नहीं बच्चों मोलारिटी है, क्या है मोलारिटी, देख रहे हैं मोलारिटी का फॉर्मूला है। तो मोलारिटी के पर क्या हो जाएगा, देखिए यूनिट का पहले यूनिट को पहले काट ले, ग्राम से ग्राम क्या हुआ कट गया, मोल ऊपर चला गया लीटर नीचे चला गया, तो बताइए मोलारिटी मोल पर लीटर में होता है कि नहीं, इसीलिए यूनिट हम पहले लिख लिए कि मोलारिटी अगर मोल पर लीटर में आएगा तो सही है नहीं तो गलत है। ऊपर से क्या चला गया 1 पॉइंट ऊपर से उड़ाइए तो यहाँ पर आएगा नीचे 49/980 ऊपर चला जाएगा मोल और नीचे चला आएगा लीटर, और मोलारिटी का यूनिट भी होना चाहिए मोल पर लीटर। तो चलिए एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर 20, तो ए 1/20 मोल पर लीटर, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1/20 कितना हो जाएगा बच्चों 1/20 0.05, कितना हो जाएगा 0.05 मोल पर लीटर, तो इसी तरह मोलारिटी इसका कितना हो जाएगा 0.05 मोल पर लीटर। तो आप लोग क्या सीखे, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, ऐसे ही हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसीलिए आज हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, अगर एक बार शुरुआत हो गई तो फिर उसके बाद हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं कंसंट्रेशन, जैसे मोलारिटी मोलालिटी बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म आएगा तो सब कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोलारिटी और उसी से रिलेटेड एक टर्म था स्ट्रेंथ, क्या था स्ट्रेंथ, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, समझ रहे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, उसको क्या बोलते हैं मोलारिटी। स्ट्रेंथ क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया वहां पे मास ऑफ सोल्यूट
इन ग्राम मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वहां पर हम लोग देखें मोलारिटी और स्ट्रेंथ में एक रिलेशन है, जो ये रिलेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मोलर मास। और यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाने का ट्राई किए। और इसी तरह न्यूमेरिकल भी देखिए, अगर न्यूमेरिकल आप लोग रटते हैं तो फिर नहीं होगा। फॉर्मूला को देखिए क्या क्या हो रहा है, और H2SO4 जैसे मोलर मास निकालना है तो आप लोग पर हाइड्रोजन 2 तो 2, सल्फर 32, 16 चौगा 64, तो 98 ग्राम पर मोल। इस तरह से करके हम लोग यूनिट का भी देख रहे हैं, यूनिट का कन्वर्सन, यूनिट में भी गलती नहीं होना चाहिए। इस तरह करके हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोग अभी पढ़ाई करेंगे, अगले वीडियो में आएंगे तो हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम और बहुत सारा और भी कंसंट्रेशन टर्म्स को करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग इतना करिए, आज शुरुआत हो गई है तो आगे भी वीडियो आते रहेगा। चलिए रिवीजन कीजिएगा इसी को, ठीक है, बाय।